हेलो बच्चों, मैं अली सर, मेरे यूपी बोर्ड के जो प्यारे बच्चे हैं उनके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। बच्चों आप लोगों के लिए, आप लोग देखोगे कि जो यूपी बोर्ड था उसने केंद्र डिसाइड किए थे कि इन 75 जिलों में इसका क्या होगा, सेंटर होगा। आप लोग देखोगे इसमें, कल आप लोग देखोगे थोड़ा सा इसमें खेला होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। हुआ क्या है इसको लेकर, जो यूपी बोर्ड के जो सचिव हैं, ठीक है, दिव्यकांत शुक्ला जी, उन्होंने क्या कहा है, ये सारी बात आप लोगों को मैं फटाफट अंदाज में बता देता हूं। हुआ क्या बच्चों, तो आप लोग देखोगे कि जो यूपी बोर्ड है उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए, ठीक है, केंद्रों का निर्धारण किया। 75 जिलों में 7,864 केंद्र बनाए गए थे। अब हुआ क्या, ठीक है, यूपी बोर्ड की तरफ से सेंटर तो दे दिए गए आगे की तरफ, अब जिलों को दिए गए। अब सुनिएगा आगे हुआ क्या बच्चा, अब जिलों में क्या हुआ ना बच्चों, जब जिलों की तरफ से अंतिम सूची आई बोर्ड के देने के बाद, जिलों ने जब अंतिम सूची जारी की तो उसमें आप लोगों को यह संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती, 8,265। अरे कितने किए थे आप लोग देखोगे, यूपी मतलब बोर्ड ने दिए 7,864 और ये जब जिला बोर्ड ने इसके आगे अंतिम सूची दी तो उसमें आप लोगों को 8,265 आप लोगों को देखने को मिलती है। मतलब कुल परीक्षा केंद्र आप लोग देखोगे 401 यहां पर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इसको लेकर अभी गर्माहट का माहौल सा बन चुका है और इसी बीच में आप लोग देखोगे कि जो यूपी बोर्ड के सचिव हैं दिव्यकांत शुक्ला कहते हैं कि बोर्ड परीक्षा के केंद्र में जहां भी गड़बड़ी की शिकायत मिली है वहां जांच कराई जाएगी। तो इसके पीछे जो भी होगा, क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार है या कुछ भी इस प्रकार की बात है, तो इसको लेकर सचिव जी ने तो कह दिया है कि वो बचेगा नहीं जिसने गड़बड़ी की है। तो आप लोगों के लिए इसी प्रकार की और भी वीडियो लाता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और आगे चलकर हमारे साथ जो यूपी बोर्ड की आप लोगों की आगामी एग्जाम है उसमें अच्छे नंबर लाना है तो इस चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।